सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इस परीक्षा से पहले की तैयारी भी कठिन है। भिलाई के नेहरू नगर स्थित 7वीं बटालियन में डॉग्स प्रशिक्षण केंद्र के 22 छोटे डॉग्स को खोजी बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कभी आग में कूदते तो कभी पानी से जूझते ये डॉग्स ट्रेकर, नार्कोटिक्स ट्रेनिंग, चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे वारदातों में मदद करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। बता दें कि पहले प्रदेश सरकार को खोजी डॉग्स को खरीदने में 7 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते थे। अब शासन को खोजी डॉग्स खरीदने के लिए रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तरीका भी खोज निकाला गया। इन 22 डॉग्स का प्रजनन इसी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। तो पहले हम लोग कुत्ता बाहर से क्रय करते थे, तो वो जैसे 70,000-80,000, अब तो इनकी कीमत 85,000 है। तो हम लोगों ने कमांड साहब से पूछा, साहब ये क्यों ना इनकी ब्रीडिंग यहीं कराई जाए। तो हम लोगों ने लेटर बना के भेजा, तो एडीजी साहब ने मंजूरी दे दी। तो हमने फीमेल और मेल, फीमेल हमारे दोनों पास हैं, तो हमने मेल फीमेल बुलाया, इनको क्रॉस करवाया। तो 3 फीमेल क्रॉस करवाई थी, उसमें 22 बच्चे हुए। उनको पाला पोसा और उनका 4 महीने के बाद हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग में वही जो अपना बेसिक ओबिडेंस है, हील है, और क्या नाम है, कैसे चोर को पकड़ते हैं, कैसे एक्सप्लोजिव ढूंढते हैं, वो ट्रेनिंग हमने शुरू किया। और वो ट्रेनिंग 8 महीने दिया। 8 महीने के बाद में फिर कमेटी गठित हुई, कमेटी ने टेस्ट लिया और वो अच्छे नंबरों से पास हुए। मतलब 1-1.5 फीट तक ये कुत्ते आराम से एक्सप्लोजिव सूंघ के निकाल सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोजिव हो। और नक्सलाइट इलाके में अधिकतर क्या है, जिलेटिन ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जिलेटिन और यूरिया मिला के बम बनाते हैं। बाकी तो जैसे हाई एक्सप्लोजिव है, पीके है, और क्या नाम है, RDX है, ये नक्सलाइटों को मिल नहीं पाता, ये क्योंकि सरकारी सप्लाई है। बाकी जो देसी बारूद वगैरह है, उससे बम बनाते हो। तो हमने इसलिए जो है इनको उसी बारूद में ट्रेंड किया, अगर जाएंगे कहीं भी गंद मिलेगी वो जो है खोद के निकालेंगे। कहाँ कहाँ पोस्टिंग की जाएगी? इनकी 4 सुकमा है और 3 बीजापुर में है और 1 दंतेवाड़ा और नारायणपुर, नक्सलाइट में अधिकतर, और 4 STF। यहाँ से कुत्ते 24 निकलेंगे, और कुछ 2 बिलासपुर गए, 2 राजनंदगांव में हैं। मतलब जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट थी उनकी, वहाँ पे उनको भेजा गया। क्या पोस्ट में भेजा गया इनको भी? जी अभी कुत्तों को पोस्ट दिया जाता है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है पोस्टिंग। जो खाने पीने में उनका जो खर्च होता है 8-9 हज़ार के लगभग महीने का। नहीं अभी रैंक नहीं है इनमें। जी अभी रैंक नहीं है। और क्या नाम, जो खाने पीने में खर्च हो जाता है वही है। नाम? मेरा नाम PC सुरेश सिंह, प्रभारी सुंदर। 55 दिन के ये डॉग्स बेहद फुर्तीले हैं। खास बात ये है कि सभी डॉग्स का नामकरण छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित नामों के आधार पर किया गया है। छत्तीसगढ़ का ये इकलौता केंद्र है जहां जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड और लेब्राडोर नस्ल के डॉग्स को ट्रेनिंग देकर खोजी डॉग्स बनाया जा रहा है। इन डॉग्स को यहाँ 6 से 9 महीने का कोर्स पूरा कराया जाएगा, फिर उनकी परीक्षा होगी। पास करने के बाद खोजी डॉग्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद उन्हें नक्सल प्रभावित अलग अलग हिस्सों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ तैनात किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।